हेलो एवरीवन, बड़े दिनों बाद आप लोगों से मैं मिल रहा हूं और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट के लिए। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और बहुत सारे जो फ्रेंड थे उन्होंने भी ये पूछा कि कौन सा जो है वो लैपटॉप लेना चाहिए एक अगर विद्यार्थी है। तो सबसे पहले लैपटॉप लेने से पहले एक डिसीजन मेकिंग आपके पास में होनी चाहिए और एक छोटा सा टिप्स भी होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन लैपटॉप अगर आप लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप सेल्स का वेट करिए। जैसे कि अभी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, होली में फिर आपका मतलब कि हर मंथ में कुछ ना कुछ सेल आपके रहते हैं। लेकिन मैं ये मतलब कि सजेस्ट करता हूँ कि कुछ भी अगर आपको परचेज करना है तो अमेजोन पर या फिर फ्लिपकार्ट में आप उसे ऐड टू कार्ट करते जाइए और जब भी कभी सेल आ जाए तो उसी समय वो सारे जो है वो परचेज कर लीजिए। तो इसमें आपके पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। अब बात करते हैं हम लैपटॉप की। तो विद्यार्थी के लिए लैपटॉप एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप रोज़ लैपटॉप आप परचेज नहीं कर पाते हो, तो उस लैपटॉप को परचेज करने के लिए कौन से ऐसी इंग्रेडिएंट है या फिर कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, राइट? सबसे पहले आपके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप एक बजट फिक्स करिए। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि लैपटॉप अगर परचेज कर रहे हैं तो आप उसमें देख लीजिए प्रोसेसर कौन सा है, कितने इंच की उसकी स्क्रीन है, उसमें SSD है या फिर उसमें आपकी हार्ड डिस्क है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आप एक लैपटॉप लेते हैं। लैपटॉप जब आप रोज़ रोज़ नहीं लेते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसे अच्छे से जाँच और मतलब कि जल्दबाजी नहीं करनी है लैपटॉप में, राइट? अब बात करते हैं कि लैपटॉप किस टाइप की लेनी चाहिए। तो लैपटॉप का जो यूज़ होता है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पूरे जो 4 साल जो आप गुजारने वाले हैं उसमें आपको एक्चुअल में क्या क्या मिलेगा और लैपटॉप में उसका कितना, लैपटॉप का उसमें कितना योगदान रहेगा। तो अगर आप IIT में हैं, NIT में हैं तो मैं कोशिश आप लोग से यही करूंगा कि आप I5 में हमेशा जाने की कोशिश करिए, राइट? इसलिए क्योंकि जब आप IIT या फिर NITs में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फंक्शन आपका होते रहता है, ठीक है? तो उसमें आपको जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया या फिर VS Code हो गया या फिर बहुत सारे जो ऐसे एडिटर होते हैं जो मतलब कि स्मूथ चलते हैं, तो I7 में अगर पैसा है तो, ठीक है? अगर बजट कम है तो कोशिश करिए कि i5 से आप कम मतलब कि मत लीजिए। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो i3 में भी काफ़ी अच्छी अपना जो लैपटॉप है वो दे रही हैं। तो अभी क्या एक्चुअल में अभी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है तो उसके लिए मैंने कुछ लैपटॉप चूज़ करा हुआ है। अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं जल्दबाजी मत करिएगा, पूरी लिस्ट देखने के बाद में अपने हिसाब से सोचिएगा कि आपके बजट में कौन सा फिट हो रहा है, राइट? और उसके बाद में एक बात मैं और मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा हमेशा जो प्रेफरेंस रहेगा वो इंटेल के प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप ही रहेगा, AMD का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपने इंटेल i3 डलवाया है और i3 वाली अगर आपने लैपटॉप लिया है तो कुछ समय बाद आप लोकल मार्केट में जा करके उसे i5 में भी अपग्रेड आप करा सकते हो। तो इस तरीके कुछ फंक्शनैलिटी मिलती है, ठीक है? लेकिन हम सबसे पहले रिपब्लिक डे पर एक हम जो लिस्ट बनाए हैं वो हम लोग देख लेते हैं, राइट? सो सबसे पहले जो लिस्ट आती है 14 इंच का असूस की, आज के समय में असूस का लैपटॉप काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो असूस का वीवो बुक है, 14 इंच की है, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, 11th जनरेशन है, 256 GB SSD एंड ऑफिस 2019 मिल रहा है। इसकी जो अभी प्राइस चल रही है वो 39,000 के अप्रॉक्स में आपकी चल रही है। एक मैं यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप i3 में जाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि मतलब कि असूस या फिर डेल के आसपास जाने की कोशिश करिए, क्योंकि HP का थोड़ा सा मतलब कि कॉस्टली आपका मिलता है। लेकिन असूस आज के समय में काफ़ी अच्छा लैपटॉप निकाल रहा है तो इसके हिसाब से आप असूस पर जो है वो जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी ड्रॉबैक जो है वो इसकी यही है कि इसका जो यू कैन से दैट जो SSD है वो थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो उसमें हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमें वहाँ पर प्रोसेसर भी मिल रहा है। तो चूँकि ट्रेड वॉर के कारण चाइना एंड US में जो ट्रेड वॉर हो रहा है उसके हिसाब से जो सिलिकॉन जो चीप है वो भी महंगी हो चुकी है, तो लैपटॉप की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होती हैं वो एक्चुअल में धीरे धीरे अब महंगी हो रही हैं, राइट? नेक्स्ट उसके बाद में है दैट इज कॉल्ड डेल 15 इंच, राइट? इंटेल का i3 है, राइट? और ये भी आपका 37,000 के आसपास में पड़ जाएगा।
तो असूस या फिर डेल, तो अगर आप i3 में जाना चाहते हैं और i3 एक्चुअल में किन के लिए है, तो आज के समय में जो भी i3 11 जनरेशन या फिर i3 10 जनरेशन जो भी लैपटॉप आज के समय में बन रहे हैं, उसमें आप VS कोड यानी कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो चल जाएगा, ठीक है। उससे और अपग्रेड अगर काम करना चाहते हैं, ज़्यादा हेवी काम है, तो i5 में जाइए, ठीक है। तो मेरा जो पहला प्रेफरेंस होता है वो i5 ही होता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, बजट नहीं है, तो ये आप डेल में जा सकते हैं। तो असूस और डेल की अभी सर्विस अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो इन सारे लैपटॉप का आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम इसके फीचर के बारे में बात करें, तो इंटेल i3 आपको 10 जनरेशन मिल रहा है, 8GB की आपको रैम मिल रही है, यानी कि आपका लैग नहीं करेगा, 1TB की आपकी हार्ड डिस्क मिल रही है, ठीक है। प्राइस भी आपकी 37,000, जो कि मुझे i3 सीरीज़ में ये डेल का लैपटॉप अच्छा लगा, और इसमें 15 इंच का जो है वो स्क्रीन भी है। राइट नाउ देन वी हैव अनदर लैपटॉप असूस वीवो बुक 15 इंच का, राइट। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, 8GB का रैम है, 512GB एंड 32GB आपके मतलब कि इसके जो SSD है वो आपका इस तरीके से मिल जाता है, राइट। और इसका जो प्राइस है वो आपका 49,000 रुपीस के आसपास जो है वो आपका मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बात है कि 512GB जो SSD है वो मुझे लगता है वो एक्चुअल में आपका हार्ड डिस्क है, वो SSD नहीं हो सकता, क्योंकि अगर SSD अगर होता तो नॉर्मली SSD के लिए 512 वो 61,000 के आसपास जो है वो चला जाता है। उसके बाद में इसमें विंडो 11 है जो कि लेटेस्ट वर्जन है, तो असूस आज के समय में एक अच्छा ऑप्शन हो रखा है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वो आता है आपका असूस वीवो 14 इंच का, और इसमें आपके इंटेल i5 है, सबसे अच्छी बात तो ये है, और ये 50,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, 1TB आपकी हार्ड डिस्क है एंड 256GB आपकी SSD है, दैट मीन्स और काफ़ी ये लैपटॉप स्मूथ चलने वाला है, राइट। तो इसे आप मतलब कि ऑप्ट कर सकते हैं और इसे आप परचेज कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में बात करूं, तो वो आता है HP Pavilion 14 इंच की लैपटॉप है, और इसमें आपके i5 11 जनरेशन है। रैम के बारे में अगर बात करूं, तो 16GB आपकी रैम है जो कि काफ़ी अच्छी है, 512GB का SSD है, लेकिन वही बात मैंने बोला ना कि 512GB SSD वाले जो लैपटॉप होते हैं अच्छे, वो आपके अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में बजट है देन गो फॉर इट, अगर बजट नहीं है तो डेल या फिर असूस के जो 37,000 के आसपास के जो पड़ते हैं आप उसमें स्विच कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में अब हमारे पास में जो नेक्स्ट लैपटॉप है दैट इज कॉल्ड अ डेल वोस्ट्रो, ये काफ़ी मतलब कि पुराना मॉडल हो चुका है, लेकिन आज के समय में भी डेल की जो लैपटॉप होती हैं उनकी सर्विस अच्छी होती है। तो i5 की 11 जनरेशन है, 8GB 1TB ये आपका मिल रहा है। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि AMD प्रोसेसर मत खरीदो अगर आपको उस लैपटॉप को मतलब कि 5 साल 6 साल चलाना है तो, राइट। और लैपटॉप खरीदते वक्त जल्दबाजी नहीं आपको करनी है। तो ये भी आपका एक डेल का एक अच्छा ऑप्शन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो वो आता है HP का, 14 इंच की आपकी स्क्रीन रहेगी, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिलेगा आपका, 512GB SSD, विंडो 10 है और 8GB इसके रैम है, और इसका जो प्राइस है आपका अप्रॉक्सीमेटली 59,000। सो ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि ये HP का है। तो HP में एक्चुअल में होता ये है कि अगर आप हाई एंड में जाते हो तो इसके लैपटॉप हल्के से मतलब कि थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन हमेशा जो मेरा प्रेफरेंस होता है आज के समय में, जो मेरा पहला प्रेफरेंस था वो डेल HP था, लेकिन आज के समय पर डेल असूस हो चुका है, क्योंकि असूस काफ़ी अच्छे लैपटॉप अब लेकर के मार्केट में आना चालू कर दिया है, राइट। नाउ उसके बाद में नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में बात करूं, तो अगर आपके पास में बजट है i5 11 जनरेशन लेने, वो V15 है, 8GB रैम मिलता है, 256GB SSD, और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर SSD कम मिल रहा है, और इसकी प्राइस 50,000 रुपीज़ है, तो क्यों ना मैं HP का लूँ, राइट। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कभी भी लैपटॉप लेने वक्त आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, कोशिश करिए कि काफ़ी अच्छे से सर्च और रिसर्च कर लेने के बाद में ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो वो आती है आपके असूस वीवो बुक, ये भी आपके 14 इंच का है,
और इंटेल इसमें i7 है। तो जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपको i7 लेना है, अगर आपके पास में बजट है, तो आप 59,000 के आसपास ये i7 में आप ले सकते हैं। इसमें विंडो 11 है और इसमें आपका 16 GB का आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम भी मिल रही है, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से मुझे आप बताना था। इन सारे जितने भी जो लैपटॉप हैं इनके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और हमेशा कोशिश करिए कि जब आप लैपटॉप लें अच्छे से 3 से 4 दिन ऑनलाइन सर्च कर लें, रिसर्च कर लें। अगर नहीं भी हो तो जो लोकल मार्केट होते हैं, डेल के जो शॉप होते हैं आपके नियर बाई, वहाँ पर भी जा कर के आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं तो वही होगा कि आप पैसा भी ज़्यादा देंगे और पता चला कि मतलब कि सामान भी अच्छा ना है। तो कोशिश करिएगा कि दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट प्रोसेसर, दूसरा उसका रैम होता है। अगर हार्ड डिस्क कर थोड़ी सी कम भी मिल रही है चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के समय में कोशिश करिए SSD आपका वो रहे। कंपनी के बारे में बात करूँ, आज के समय में जो डेल है और HP है और असूस है, इन तीनों कंपनी मतलब अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो डेल एंड देन असूस, ठीक है। लेकिन असूस का भी लैपटॉप जो है वो धीरे धीरे अपग्रेड होकर के मार्केट में उसकी पकड़ आज के समय में अच्छी है। तो ये रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है, जाइए परचेज अगर करना है तो आप परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जो है वो लिंक मिल जाएगी। बड़े दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने बोला था कि जो ये इसके बाद की जो वीडियो आएंगी वो हैबिट पे होंगी, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो एट दिस नोट, जाइए लैपटॉप लेने के लिए जल्दीबाजी मत करिए, अच्छे तरीके से सर्च कर लीजिए ऑनलाइन और उसके बाद में अपना लैपटॉप लीजिए, क्योंकि लैपटॉप बार बार नहीं होता है और पैसे पेड़ पर नहीं आपके निकलते हैं, राइट। माँ बाप का पैसा है, अच्छे से यूज़ करिए, दिमाग लगाइए और जल्दीबाजी ना करके हुए धैर्यपूर्वक लैपटॉप लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने लैपटॉप ले लिया तो फिर आप बार बार लैपटॉप नहीं ले पाते, राइट। अगर आपके पास में लेट सपोज पैसा कम है तो कुछ अच्छे EMI ऑप्शन पर भी आप जा सकते हो, राइट। लेट सपोज 40,000 के रुपीज़ के आसपास में अगर आपके बजट बन रहा है तो आप उसके EMI ले करके आप i5 में भी जा सकते हो, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर लैपटॉप बार बार आप नहीं परचेज कर सकते। सो एट दिस नोट, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड वंदे मातरम।